अक्सर अनेक जगहों पर देखा जाता है कि शराब के शौकीन शराब की दुकानों से शराब लेकर ढाबों पर शराब पीते हुए दिखाई देते हैं, मगर अब ऐसा करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी, वह किस तरह, देखते हैं यह खबर में। अक्सर अनेकों बार देखा जाता है कि वाइन शॉप से शराब खरीदकर ढाबे पर बैठकर लोग शराब का सेवन करते हैं और ढाबा के मालिक भी ग्राहकों की सहूलियत के लिए उन्हें अनुमति देते हैं। साथ ही कुछ बियर शॉपी के मालिक भी ग्राहकों के लिए पीने की खास व्यवस्था करते हैं, मगर अब इन जगहों पर शराब का सेवन करने पर कार्रवाई होगी और इस संबंध में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने 2 स्वतंत्र टीमें तैयार की है और इन टीम के सदस्यों की नज़र बियर शॉपी तथा ढाबे पर शराब का सेवन करने वालों पर रहेगी और अगर कोई व्यक्ति इन स्थानों पर शराब का सेवन करता है तो उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। तो सुनिए इस संबंध में अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क चंद्रपुर के संजय पाटिल ने मीडिया प्रतिनिधि को क्या जानकारी दी। अवैध दारू जी डुप्लिकेट दारू जी तैयार के लिए जाते व ती विक्री खेडेपाड़ ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्या ठिकाणी विक्री के लिए जाते। सदर ठिकाणी तसेच बियर शॉपीमध्ये इलिगल बसून पिण्याची विक्री पिण्याची परवानगी दिली जाते व हायवेला जे कार्यरत असणाऱ्या ढाब्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे लायसन्स नाही अशा सर्व ढाब्यांवर कारवाई करण्याकरता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 2 पथक स्थापन केले असून सदर पथकाचे प्रमुख निरीक्षक पदाचे अधिकारी आहेत। तरी सर्व जनतेला मी असे आवाहन करतो की राज्य उत्पादन विभागामार्फत देण्यात आलेल्या अनुज्ञप्तीमधूनच आपण सर्वांनी मद्य विक्री मद्य घेऊन त्याचे सेवन करावे, अन्यत्र अनुज्ञप्ती नसतील अशा ठिकाणी घेऊन आपल्या जीवितास धोका होईल अशा प्रकारे कुठलीही वर्तणूक करू नये असे मी जनतेला आवाहन करत आहे।